लेकिन जैसे ही स्काई आया, राहुल भी बैटिंग भूल गया, सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और छिक्का, मुंह देख रहे और छह छक्के। रिजवान अदर साहब 6 छक्के। होए होए होए, क्या बैटिंग हुई है आज। चाहे आप अय्यर की बात कर ले, चाहे आप आज गिल की बात कर ले, चाहे आज आप सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, क्या आज इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कुटा है, मारा है, तोड़ा है, गिराया है भाई जान। आज इन्होंने शुभमन गिल 104 रन, अय्यर 105 रन, केएल राहुल 50 रन, सूर्य कुमार यादव 72 रन 37 बॉलों पे। सबको छोड़ो, जो आज सूर्य कुमार यादव ने कर दिया ना, अय्यर ने सेंचुरी मारी, लाजवाब सेंचुरी मारी, गिल ने सेंचुरी मारी, शानदार सेंचुरी मारी, राहुल ने 50 किया, बहुत ही जबरदस्त 50 किया, लेकिन जो ये सूर्य कुमार यादव कर गया स्पेशली कैमरून ग्रीन के साथ 36 बॉलों पे 72 और 4 लगातार छक्के, एक बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल छक्का। आप अय्यर और गिल की बात कर रहे हैं, वो भी बैटिंग किया, गली मोहल्ले के प्लेयर है, गली मोहल्ले में ऐसे 5-6 हजार प्लेयर एक उठाए ही भाई, जिस मुल्क की आबादी 1 अरब 30 करोड़ हो, पत्थर उठाएंगे ऐसे 5-6 हजार निकल आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईशान किशन ने भी बल्ला घुमाया, सूर्या ने 22-37 गेंदों पे 72, अनबिलीवेबल हिटिंग, ब्रूटल हिटिंग किया आखिर में उसने। यही ऑस्ट्रेलिया थी, यही इंडिया का वेन्यू था, 3 डख मिले थे सूर्या को। और उसके बाद अगर कोई कम बैक करना, अगर आप किसी कम बैक का नाम ले तो भाई आज सूर्या का नाम है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा सेकंड ओडीआई चल रहा है और इंदौर का पिच तो बैटिंग पिच को लेकर बहुत फेमस है। वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन इंदौर के पिच में ही बनाए थे और आज शेरच और गिल ने जो पारी के लिए वो लाजवाब है। और इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से भारत ने 400 का स्कोर खड़ा कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आप ओवरऑल एशिया कप में परफॉर्मेंस देख लें इंडिया की, जिस तरह उसने पाकिस्तान को टारगेट दिया 367 का, जो कि अनचेजेबल था, बहुत मुश्किल था, और 128 पे पाकिस्तान की सारी विकेटें उसने गिरा दी। तो अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली आप देखें और अब का टारगेट देख लें इंडिया का, 400 का टारगेट अगर ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में डेफिनेटली इंडिया ही स्ट्रॉन्ग टीम है। आप अय्यर और गिल की बात कर रहे हैं, वो भी बैटिंग किया, गली मोहल्ले के प्लेयर है, गली मोहल्ले में ऐसे 5-6 हजार प्लेयर एक उठाए ही भाई, जिस मुल्क की आबादी 1 अरब 30 करोड़ हो, पत्थर उठाएंगे ऐसे 5-6 हजार निकल आएंगे। असल प्लेयर है ग्रीन, उसकी सौ है जो सबसे अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया को देके ग्रीन हम ले लेते हैं, बॉलिंग में 100 देगा गारंटी। हमारा वर्ल्ड कप इंडिया के साथ आएगा, आपको अपनी टीम और इंडिया की परफॉर्मेंस देख के क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जैसे हमारे प्लेयर हैं, हमारे कैप्टन भी हैं बाबर आजम, वो बड़ा अच्छा प्लेयर, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी उनकी कैप्टनसी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इंडिया को एक टफ टाइम देंगे। बाकी ईर्षा लग डिपेंड्स अपॉन लक, कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट वी आर विद पाकिस्तान। आज आपका जो सपोर्ट है इंडिया के साथ जा रहा है? जी आज मैं इंडिया के साथ, इंडिया के साथ दोस्त से